हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में हम आज आईयूपीएसी ऑफ अल्कीन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आईयूपीएसी के बारे में जान लेते हैं। आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है, जो 1928 में स्विट्जरलैंड के एक प्लेस जिनेवा में एक मीटिंग हुई थी, वहां पर नाम लिखने का एक मेथड बताया गया था। उसी मेथड को हम आईयूपीएसी के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी ऑफ अल्कीन। आईयूपीएसी ऑफ अल्कीन को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक जानने की जरूरत होती है। चलिए कुछ बेसिक देखते हैं। हमने अल्कीन पढ़ा है लास्ट लेक्चर में। अल्कीन एक सैचुरेटेड एलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, CH4। इसको हम मेथेन कहते हैं, C2H6। इसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, CH3। इसको हम इथेन कहते हैं। C3H8। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, CH3CH2CH3। इसको हम प्रोपीन कहते हैं। दूसरा चीज अल्काइल है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, CnH2n+2 होता है, और इसका फॉर्मूला CnH2n+1 होता है। स्टूडेंट, अल्काइल कोई कंपाउंड नहीं है, अल्काइल एक ग्रुप होता है जो किसी ना किसी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। अल्काइल कैसे बनता है? किसी हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन से, अगर किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है, तो जो ग्रुप बनता है उसी को हम कहते हैं अल्काइल। जैसे अगर हम मीथेन से रिमूव करते हैं CH3, तो इसका नाम है मिथाइल। इथेन से रिमूव करते हैं तो यह हो जाएगा C2H5। इसको हम CH2 और CH3 भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इससे भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन जिधर से रिमूव करोगे उसी से बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन से। इसका नाम है इथाइल। अगर हम इससे रिमूव करते हैं तो C3H7 हो जाएगा, जिसको हम CH2 CH3, और इसका नाम है प्रोपाइल। डियर स्टूडेंट, अल्काइल को कॉमनली R से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्काइल एक फैमिली है जिसका पहला मेंबर मिथाइल है, दूसरा मेंबर इथाइल है, तीसरा प्रोपाइल है, इसी तरह से आगे ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल होते हैं। केमिस्ट्री में चार ग्रुप होते हैं, पहले ग्रुप का नाम अल्काइल, दूसरे ग्रुप का नाम विनाइल, तीसरे ग्रुप का नाम एलाइल, चौथे ग्रुप का नाम अराइल और अरीन्स होता है। तो हमने पहले ग्रुप को देख लिया जो कि अल्काइल है, और आईयूपीएसी ऑफ अल्कीन के लिए आपको अल्काइल को बहुत ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, CH3 मिथाइल है, C2H5 इथाइल है, C3H7 प्रोपाइल है। अब हम आईयूपीएसी ऑफ अल्कीन की तरफ चलते हैं। आईयूपीएसी को लेकर बहुत छोटी छोटी बातों के लिए भी रूल दिए गए हैं, इवन कॉमा और डैश के लिए भी रूल दिए गए हैं। अल्केन के आईयूपीएसी के लिए कहा गया है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करें और उधर से काउंट करें जिधर से ब्रांच नजदीक हो। तो देखते हैं, CH3 CH CH3 CH3
अब हम किधर से काउंट करें, दोनों साइड से ब्रांच सेम पोजीशन पे है तो हम किधर से भी काउंट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो डियर स्टूडेंट सेकेंड कार्बन पर ब्रांच है, इस ब्रांच को जरा हम इस चार्ट से रिकॉग्नाइज करते हैं, सी एस थ्री को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड पे, इसलिए इसका नाम है टू मिथाइल। कितने कार्बन है, थ्री। थ्री कार्बन को हमने पढ़ा है प्रोपा कहते हैं, और सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम प्रोपेन। प्रोपा में हमने एन ऐड किया तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी एच थ्री। स्टूडेंट काउंट कहां से करेंगे, इस साइड से करेंगे क्योंकि इधर से ब्रांच नजदीक है, वन टू थ्री फोर। चार कार्बन को ब्यूटा कहते हैं और हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट मीन्स हमें यह पता चल गया यह ब्यूटेन है, और ब्रांच कहां पे है, सेकेंड पे, इसलिए हम लिखेंगे टू मिथाइल ब्यूटेन। CH3 अब हम इस स्ट्रक्चर की नेमिंग की बात करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इसको काउंट करने की कोशिश करें तो किस साइड से करेंगे, इस साइड से या उस साइड से, हां इस साइड से ही करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। यहां पर देखो सेकेंड पर भी ब्रांच है और थर्ड पर भी ब्रांच है, इस ब्रांच को हम रेकनाइज करते हैं यह मिथाइल है। अगर दो एक जैसे ब्रांच हो तो आईयूपीएसी में इसको डाई कहा गया है, तीन एक जैसे ब्रांच हो तो ट्राई कहा जाता है, चार एक जैसे ब्रांच हो तो टेट्रा कहा जाता है। तो हम इसको टू, इसका पोजिशन सेकेंड है और इसका पोजिशन थर्ड है, टू कॉमा थ्री डैश। अब हम लिखेंगे डाय मिथाइल क्योंकि दोनों मिथाइल है। कितने कार्बन की चैन है, पांच, पांच को हम पेंटा कहते हैं, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसलिए एन, तो इसका नाम क्या हो गया, टू मिथाइल पेंटेन। स्टूडेंट अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें अब हम काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से सेकेंड पे ब्रांच है, इधर से भी सेकेंड पर ब्रांच है, तो हम उस तरफ से काउंटिंग करेंगे जिधर से ब्रांचेस हमें ज्यादा मिलते हो। तो इस कार्बन पर ब्रांचेस ज्यादा मिल रहे हैं तो वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन की हमें चैन मिली। जब हम फोर कार्बन की चैन पाए तो ब्यूटा है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसे हम ब्यूटेन कहेंगे, लेकिन ब्रांच कितने हैं, तीन ब्रांचेस हैं, वन टू थ्री, पोजीशन टू, फिर नीचे टू पर है इसलिए अगेन टू। एक बार टू हमने ऊपर के लिए लिखा और दूसरी बार टू हमने नीचे के लिए लिखा, टू कॉमा टू, अगेन थ्री पर है कॉमा थ्री डैश ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन है, फोर, फोर को हम कहते हैं ब्यूटा और इसमें एन ऐड किए तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। टू कॉमा टू कॉमा थ्री ट्रामिथाइल ब्यूटेन। स्टूडेंट अब हम डिफिकल्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यह स्ट्रक्चर तो सिंपल थे जिसका हमने नेमिंग कर लिया, अब थोड़ा सा आपको ध्यान रख के नेमिंग करना है, तो सबसे पहले आप जो भी दिया होगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे। चलिए इसकी काउंटिंग करते हैं हम,
ये इथाइल है, ये मिथाइल है। आप लोग हमसे कह रहे हैं सर इथाइल से जाएंगे, जी हां अगर ऐसा होता तो हम इथाइल से जाते क्योंकि दोनों का पोजीशन क्या है सेम है, इधर से भी ये सेकंड पे है इधर से ये सेकंड पे, हम इथाइल से जाएंगे। लेकिन यहां पर हम इथाइल से नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 इधर से भी गिनते हैं तो 5, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट चेन बड़ा होने की पॉसिबिलिटीज है। चलिए देखते हैं कैसे बड़ा हो सकता है। CH3 CH CH2 CH3, हमने आपको कहा था चार्ट में कुछ ऐसा C2H5 दिया था जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं CH2 CH CH3 CH3। अगर स्टूडेंट आप हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कार्बन है और इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 कार्बन है। IUPAC का सबसे बड़ा रूल और फर्स्ट रूल जो है सिलेक्ट ऑलवेज लॉन्गेस्ट चेन, उसके बाद ही हम बाकी बात करेंगे। तो देखते हैं अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो ये मिथाइल सेकेंड पे आता है, अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो ये मिथाइल थर्ड पर आता है। तो किधर से जाएंगे, जिधर से नियरेस्ट हो, नियरेस्ट इस साइड से है 1 2 3 4 5 6, एक मिथाइल सेकेंड पे है दूसरा मिथाइल फोर पर है, हम लिखेंगे 2,4-dimethyl। कितने कार्बन है 6, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इसका नाम होगा हेक्सेन। बस आप ध्यान रखना कि किस तरह से हम काउंटिंग करेंगे। स्टूडेंट अब हम न्यू स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अगर हमें इस स्ट्रक्चर का नेम लिखना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 मिल रहा है, ये चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लॉन्गेस्ट मिल रहा है, हम लॉन्गेस्ट जाएंगे 1 2 3 4, फोर पे ब्रांच है, काहे का ब्रांच है C2H5 है जिसको स्प्लिट करके लिखा हुआ है CH2 CH3, यानी ये इथाइल है। यहां पर देखते हैं ये भी इथाइल है और ये कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन पे है, तो किधर से भी जा सकते हैं, दोनों साइड फोर्थ पोजीशन पे है। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, स्टूडेंट फोर्थ पे इथाइल है, फिफ्थ पर भी इथाइल है, दोनों सेम है, हम क्या लिखेंगे 4,5-diethyl। कितने कार्बन है 8, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे ऑक्टेन। काउंटिंग इधर से, अगर मैं इसको स्प्लिट भी करता हूं तो दो ही मिलेंगे 1 2 3
3 to 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Longest chain yahi hai. लेकिन इधर से 1, 2, 3, 4th methyl है, इधर से 2nd पे methyl है, nearest branch के role को हम follow करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब एक problem आती है students, कि हम ethyl को पहले लिखेंगे या methyl को. अगर देखा जाए तो यहां मिथाइल पहले आया है तो मिथाइल को लिखना चाहिए लेकिन आयुप मैंने आपको पहले ही कहा आईयूपीएसी में बहुत छोटी-छोटी चीजों के लिए भी रूल दिए गए हैं इथाइल ई से आता है अल्फाबेट में मिथाइल एम से आता है तो जिसका अल्फाबेट पहले आता है हम नाम उसका लिखते हैं तो सबसे पहले हम इथाइल लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल अब देखो कितने कार्बन है 6 सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसका नाम हो गया हेक्सेन होप आपको इतना समझ में आया होगा अब मैं कुछ स्ट्रक्चर देता हूं आप उसके नाम लिखिए चलिए देखते हैं काउंटिंग यहां से 1 2 3 इधर से भी कर सकते थे मिथाइल 2 पर है ऊपर नीचे हम इसको लिखेंगे 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन स्टूडेंट अब हम इसको देखते हैं सबसे पहले इसको 1 2 3 4 इस तरह से नहीं काउंट किया जाएगा इसको सबसे पहले हम ब्रेक डाउन करेंगे ये एक्सपांड होगा तो मैं यहां ब्रेक डाउन करता हूं CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3 अब इधर से भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि थर्ड पे आ रहा है इधर से भी काउंट कर सकते हैं थर्ड पे आ रहा है 1 2 3 4 5 3 पे मिथाइल है ब्रांच है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल पेंटेन 3 मिथाइल पेंटेन स्टूडेंट इसको डायरेक्टली हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 ब्रांच को रिकॉग्नाइज कीजिए दो ब्रांच 2 पे है एक ब्रांच 3 पे है एक ब्रांच 4 पे है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2, 2, 3, 4 चार है चारों मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइल
और टोटल कितने हैं? पांच, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। स्टूडेंट इसमें भी एक्सपांड करना पड़ेगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं फर्स्ट स्ट्रक्चर को, उसके बाद हम बात करते हैं। CH3, CH, CH3, CH3, CH2, CH, CH2, CH3। ये इथाइल को हमने एक्सपांड कर दिया CH3। अब काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से तो कर नहीं सकते, यहां से थर्ड पे इथाइल, यहां से टू पे दो मिथाइल है, तो नियरेस्ट ये है, काउंटिंग यहां से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके नाम को हम कैसे लिखेंगे उसको ध्यान में देख लेते हैं। इसके नाम को लिखने के लिए हम 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, फिर से देखते हैं, 2 पे मिथाइल है, अगेन डाउन साइड भी 2 पे मिथाइल है, 2, 2, 4 पे मिथाइल है, 2, 2, 4 तीनों मिथाइल हैं, इसलिए हम लिखेंगे ट्राइमिथाइल, और आगे लिखेंगे ट्राइमिथाइल, फिर आगे हम 6 कार्बन का अल्का है इसलिए हेक्सेन लिखेंगे। स्टूडेंट यह अल्केन के नाम लिखने का एक पैटर्न था, अब हम अल्केन के नाम लिखने का दूसरा पैटर्न देखने वाले हैं। स्टूडेंट इसके नोड को काउंट करते हैं या लाइन को काउंट कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 इसको स्टीरियो स्ट्रक्चर कहते हैं। ब्रांच इधर से देखिए, एक सिंगल लाइन है या एक पॉइंट है तो मिथाइल। 1, 2, 3, 4, 5 इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? 2-methyl, कितने कार्बन है? 5, पेंटेन। अब इसकी काउंटिंग करते हैं, ये भी सेम है, यहां से भी 1, यहां से भी 1, 1, 2, 3, 4, 5 इसका भी नाम 2-methyl पेंटेन है। इस स्ट्रक्चर को हम काउंट करने की कोशिश करें, इधर से 1, 2 पे ब्रांच है, 1, 2 थर्ड पे ब्रांच है, तो स्टूडेंट हम उस तरफ से जाएंगे जिधर से ब्रांच नियर होगा। 1, 2, 3, 4, 5 क्या नाम होगा इसका? 2,3-dimethyl, 5 कार्बन है पेंटेन। 2,3-dimethyl पेंटेन। होप आपको समझ में आया होगा। थोड़े डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूं, आप उसकी नेमिंग करिए।
जी फिफ्थ स्ट्रक्चर सिक्स्थ स्ट्रक्चर, आप इसके नाम लिखिए फिर हम देखते हैं इसका क्या नाम होगा। चलिए अब हम इसका नेम लिखते हैं, वन टू थ्री, टू पे मिथाइल ऊपर भी है डाउन साइड भी है, तो टू कॉमा टू डाय मिथाइल, तीन कार्बन की चेन है प्रोपेन, इसका नाम लिखते हैं, काउंटिंग यहां से करेंगे, वन टू थ्री फोर, इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, टू कॉमा टू, इस साइड भी टू, इस साइड भी टू, टू कॉमा टू, थ्री कॉमा थ्री, कितने बार है, चार बार, टेट्रा मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, फोर कार्बन की, ब्यूटेन। चलिए इसको देखते हैं, इसको कहीं से भी काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर देखिए इसको इसको दो ले लेंगे तो ये इथाइल है, यह इथाइल है, तो थ्री पर दोनों साइड इथाइल है तो हम लिखेंगे थ्री कॉमा थ्री डाय इथाइल, थ्री कॉमा थ्री डाय इथाइल, कितने कार्बन की चेन है, पांच, तो आगे लिखेंगे पेंटेन। इसको देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, टू कॉमा थ्री डाय मिथाइल, कितने कार्बन है, फाइव, पेंटेन। होप इनके नाम आपको आ गए होंगे, टू टू डायमिथाइल प्रोपेन, टू टू थ्री थ्री टेट्रामिथाइल ब्यूटेन, थ्री थ्री डायइथाइल पेंटेन, टू थ्री डायमिथाइल पेंटेन। अब बाकी रिमेनिंग दो का हम लिखते हैं, आईआईटी में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर पास्ट ईयर में पूछे जा चुके हैं, सबसे पहले इधर देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, किधर से भी काउंट करेंगे टेन ही है, अगर मैं इसको वन मानता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन टेन। स्टूडेंट ये इथाइल है, आप इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, सी एच टू सी एच थ्री, सी एच टू सी एच थ्री, सी एच टू सी एच थ्री में सी टू एच फाइव, एक फिफ्थ पे है एक सिक्स पे है, तो इसका नाम हम लिखेंगे फाइव कॉमा सिक्स डाय इथाइल, कितने कार्बन है टोटल, टेन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, इसका नाम हो जाएगा डेकेन। स्टूडेंट यह एमी जो वर्ड है यह मिथाइल को रिप्रेजेंट करता है और ईटी इथाइल को रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं इसको काउंट करता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, यस स्टूडेंट ये भी
5 पर इथाइल, 6 पे इथाइल है। मैंने इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज्ड हो, जबकि दोनों सेम है। इसका भी नाम होगा 5-6 डाइथाइल। देखें ये लास्ट में CH3 होता है इसलिए उसको मिथाइल मैंने लिख दिया है। लेकिन स्टूडेंट ऐसे कुछ जगहों पर स्ट्रक्चर में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट किया जाता है, जैसे मैं यहां पर H डाल दूं तो काउंटिंग कहां से करेंगे? तो स्टूडेंट ये H कुछ भी नहीं है, यहां पर CH3 है। इस CH3 के H को मैं चाहूं तो इस तरह से दिखा सकता हूं, नहीं चाहूं दो को चाहूं तो दो को दिखा सकता हूं, एक को चाहूं एक को दिखा सकता हूं। उसे कंफ्यूज मत होना क्योंकि H कुछ भी नहीं होता है। H उस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए लगा हुआ हाइड्रोजन है या कोई ब्रांच नहीं है। काउंटिंग कहां से? 1 2 3 पे इथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल है, यहां से 1 2 3 4 5 6 यह कुछ भी नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा 3-ethyl-4-methyl, टोटल 6 कार्बन है, हेक्सेन। होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम तीसरे फॉर्मेट की बात करने वाले हैं कि अल्केन के IUPAC के लिए जो तीसरा फॉर्मेट है कैसा लिया जाता है। ये कुछ इस तरह का फॉर्मेट अल्केन के नेमिंग में यूज किया जाता है। स्टूडेंट ये जो CH3 थ्री टाइम्स है यह इसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर ब्रांच होता है। CH3 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 मैंने ये तीनों CH3 को इस कार्बन पर ब्रांच रख दिया। और स्टूडेंट यह CH2 कितने टाइम भी रहे वह चैन में ही जाएगा। कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो CH2 CH2, फिर यहां पर क्या है? CH है। मैंने कहा CH3 कितने टाइम्स भी रहे उसके नियरेस्ट वाले कार्बन पर वह ब्रांच में जाएगा, और CH2 कितने टाइम्स भी रहे लेकिन वह नियरेस्ट वह चैन में ही जाएगा। CH3 CH3 2 टाइम्स था, देख दिया मैंने। अब काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 मिथाइल, इधर से 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 2 2 5 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। एक स्ट्रक्चर और लेते हैं ताकि आपकी समझ अच्छी हो जाए। जी स्टूडेंट इस स्ट्रक्चर को देखिए, CH CH3 2 टाइम्स है, CH2 मैंने कहा था जितने बार भी होंगे चैन में जाएंगे, CH2 CH2 CH2। अगेन हमारे पास CH है, दो बार CH3, यह इसका चैन बना, 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन टू कॉमा सिक्स डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है? सेवन, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए इसका नाम होगा हेप्टेन। अब आगे आप अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी अगर आपको डाउट रहते हैं आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tahseen@starclasses.net। थैंक यू।